हेलो माय लवली बेकर, आज फिर से आप लोगों के साथ केक की नया डिज़ाइन शेयर करने के लिए आ गया। और आज भी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिलेगा केक को लेकर, और हर रोज़ केक रिलेटेड कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वाला चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आज का जो केक की स्टोरी है, मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बिना स्किप किए लास्ट तक कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो आज का जो केक मेरे पास ऑर्डर आया है, उन्होंने बहुत दूर से केक को ऑर्डर किया है, और उन्होंने केक लेने भी नहीं आ सकते, मुझे बोला बास में देने के लिए। तो मैं भी रेडी हो गया, ऑर्डर को कंफर्म भी कर लिया, क्योंकि हर रोज़ आप लोगों के साथ मुझे कुछ नया तो शेयर करना है, वीडियो तो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने रेडी हो गया। तो ऑर्डर तो ले लिया, फिर मुझे ऑर्डर ले लिया तो फिर केक तो बनाना ही पड़ेगा। तो केक भी मैंने बना लिया, और फिर मैंने चला गया बास स्टैंड पे, बास के वेट करने लगा। तो उन्होंने जिस बास में मुझे देने के लिए बोला, वो बास ही नहीं आ चला, इतना बुरा नसीब है। फिर मैंने बहुत टाइम तक बास के लिए वेट किया, और फिर दूसरे बास आया, और मैंने उस वाला बास में केक को दे दिया, और फिर कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया कि इस वाला बास में मैंने केक को दिया हूँ, आप ले लीजिए। फिर मुझे थोड़ा बहुत तो टेंशन था, क्योंकि बास में केक जा रही है और बहुत दूर है, मतलब लगभग 30 से 45 मिनट तक लग ही जाएगा। तो थोड़ा बहुत टेंशन था कि केक सेफली पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा, नहीं तो मेरे वजह से उनका जो सेलिब्रेशन है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन लास्ट में केक सेफली पहुँच गया, और कस्टमर को सेफली केक मिल भी गया, तो इस वजह से बहुत खुश भी थे, और कस्टमर बहुत अच्छा रिव्यू दिया कि केक की टेस्ट बहुत अच्छा था। और आज के डिज़ाइन जो था ना, बहुत ही बढ़िया सिंपल में था, लेकिन मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसमें अप्लाई किया हूँ, वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो नॉर्मल वनीला वाला केक है और छोटा सा केक है, तो मैंने सबसे पहले वनीला वाला स्पॉन्ज बना लिया, और स्पॉन्ज मैंने वनीला प्रीमिक्स से बनाया हूँ। तो इसके लिए मैंने प्रीमिक्स लिया हूँ, मेजरमेंट कप के माप, मतलब मेजरमेंट कप से माप के प्रीमिक्स लिया हूँ, और उसके साथ 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से पानी देके एक स्मूथ सा बैटर बना लिया। फिर गैस पर लो फ्लेम पर लगभग 30 मिनट तक इसको बेक कर लिया, और ठंडा करने के बाद मैंने इसका 3 लेयर में कट कर लिया स्पॉन्ज को, और फिर मैंने जैसे केक की लेयरिंग करते हैं वैसे कर लिया। और नॉर्मल वनीला नॉर्मल वनीला केक है, तो इसलिए मैंने क्रीम से ही बस उसको लेयरिंग किया हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हूँ, और उतना बजट भी मेरे पास नहीं थे कि एक्स्ट्रा कुछ चॉको चिप्स वगैरह ऐड करूँ। और नॉर्मल वनीला केक में मैंने बस क्रीम दे के केक की लेयरिंग कर लेती हूँ। तो 3 लेयर के काम कंप्लीट करने के बाद, और मैं अच्छी तरह से केक की क्रम कट कर लिया, और इसको 5 मिनट तक फ्रिज में रख के सेट कर लिया, और फिर मैंने केक की आइसिंग करूँगी। तो आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया, और उसको बस छोटा सा कट किया, और पूरे केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर लिया, और बस मैंने पहले स्प्रेड कर लिया पैलेट नाइफ की मदद से, पहले साइड फिर ऊपर, और स्प्रेड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड तो कर लिया, और हमेशा मैंने साइड को जो प्लेन वाला स्क्रैपर मिलता है उसी की मदद से क्लीन करती हूँ, और ऊपर को मैंने हमेशा पैलेट नाइफ की मदद से क्लीन करती हूँ। और आज का जो केक की आइसिंग की कलर है, मैंने पूरा व्हाइट क्रीम से केक की आइसिंग करने की ट्राई किए हूँ, लेकिन साइड में मैंने थोड़ा बहुत जो ऑरेंज कलर, मैंने जो प्लेन वाला स्क्रैपर होता है उसी स्क्रैपर से मैंने ऑरेंज कलर लगा लिया, और उसी से अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया। और केक की आइसिंग बहुत ही परफेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो जो केक की हमारा डिज़ाइन रहता है ना, वो बहुत अच्छा अगर बना भी लेते हो हम लोग तो अच्छा नहीं दिखता है। तो आइसिंग मैं बोलूँगी कि आपको सबसे पहले केक की आइसिंग बहुत ही परफेक्ट करना है, और जो लोग नए नए केक बनाना स्टार्ट किए हों और उन लोगों के अगर आइसिंग परफेक्ट नहीं होती, तो मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करते रहो हमेशा, कुछ भी अगर आप लोगों के पास क्रीम बच जाते हैं ना, तो कुछ भी चीज़ों से आप लोग ट्राई करते रहो आइसिंग परफेक्ट होम करने के लिए। तो अगर आप लोग ट्राई करते हो ना कुछ भी चीज़, तो एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में आपका परफेक्ट होना ही है, मतलब होगा ही। तो मैं भी जब पहले पहले केक बनाना स्टार्ट किया, मेरे भी आइसिंग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बाद में मेरे जब मैं इसको प्रैक्टिस करते रहा, तो धीरे धीरे मेरा जो आइसिंग है वो परफेक्ट हो गया। तो अब तो मेरा टर्न टेबल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा आइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब परफेक्ट आइसिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी हमेशा ट्राई करते रहना है आपको, तो कुछ भी चीज़ अगर बहुत टफ भी होता है ना वो भी चीज़, तो आप एक ना एक दिन उसको ज़रूर, मतलब आपके पास इजी हो जाएगा वो। फिर मैंने केक की आइसिंग कर लिया, और आइसिंग करने के बाद मैंने 3-4 फ्लावर बना लिया। तो देख ही सकते हो, ये मैंने R11 नोजल से बनाया हूँ, तो छोटा वाला जो R11 नोजल है, और मेरे पास ज़्यादा नोजल भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ मैंने एक एक करके खरीद रही हूँ, और बहुत मतलब चीज़ नहीं है मेरे पास अभी। तो उसके बाद मैंने 4 फ्लावर बना दिया केक के ऊपर, और फिर मैंने जो ये बॉल आप लोग देख रही हो ना, ये कोई शुगर बॉल या फिर जो मैंने दुकान से ख़रीद के नहीं लाया हूँ, खुद बनाया हूँ। तो स्पॉन्ज के जो ऊपर वाला लेयर मैंने कट के रख ली ना, तो उस लेयर को अच्छी तरह से मैंने टुकड़ा कर लिया, मतलब मिक्स्ड कर लिया, और उसके साथ मैंने एक ड्रॉप जैसा ऑरेंज कलर ऐड किया हूँ, फिर अच्छी तरह से इधर गोल गोल जैसा मैंने बना लिया। तो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव और बहुत ही डिलीशियस वाला केक दिख रही है। तो जिसने
पहले देखा ना, मतलब मैंने एक जब स्टोरी लगाया तो सभी ने बहुत ही अच्छा वाला रिव्यू दिया है और सबको अट्रैक्टिव लगा है जो ये वाला जो छोटा छोटा बॉल जैसा बनाया, तो इनको तो बच्चों को सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बच्चों तो केक की वजह से यही खा जाएगा और इनको ही पहले अट्रैक्टिव दिखेगा। फिर मेरे पास कुछ गोल्डन कलर के सबसे छोटा वाला सुगर बॉल थे, स्प्रिंकल बोल सकते हो आप, तो उसको मैंने डाल दूंगी। तो इधर मैंने जो दो दो करके मैंने बॉल रखा उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत लाइन टन लिया व्हाइट वाला क्रीम से और उसके ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल डाल दिया गोल्डन कलर की। और मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना था तो मैंने पहले सोचा कि एक टैग लगा दूंगी, फिर मैंने देखा कि मेरे पास कोई टैग नहीं है, तो इधर मैंने मिडिल में हैप्पी बर्थडे जिसके नाम था उसको लिखना, मतलब वही लिखना था। और फिर मैंने सोचा साइड थोड़ा खाली खाली सा लग रही थी तो इसलिए मैंने व्हाइट क्रीम से एक व्हाइट क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया और उसको बस छोटा सा कट किया हूँ और डॉट डॉट बना के पूरे केक को कवर कर लिया। तो आज का डिज़ाइन तो यही था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।